Dear students, good morning. Welcome in my class. Students, in previous lecture we have studied about the some important factors for choosing an ISP. जब हम ISP को choose करते हैं, मतलब कोई भी internet की facility हम लेते हैं, खरीदते हैं किसी भी internet service provider से, तब कौन कौन से factor हमें ध्यान में रखने चाहिए थे, उसके बारे में कल discussion कर रहे थे. तो जो कुछ पांच फैक्टर्स हैं हमारे, फाइव फैक्टर्स हैं, वो ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट एक्सेस लेना चाहते हैं, ठीक है, या डोमेन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, डायलअप कर एक्सेस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें फैसिलिटीज देते हैं उसमें से. तो हमें ये पाँच फैक्टर हैं, अवेलेबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट एंड टाइप ऑफ कनेक्शन. इनके बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था. रिलायबिलिटी क्या होती है, ये पांच चीज़ हमें देखनी पड़ेंगी जब भी हम कोई भी कनेक्शन अपना इंटरनेट का किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेंगे. तो इन पांच फैक्टर्स के बारे में उससे डिस्कशन ज़रूर करेंगे, उसकी डिटेल नॉलेज उससे लेंगे, उसके बाद ही हम कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश करेंगे. क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हमें नहीं मिलेंगी तो बाद में हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में या इंटरनेट का यूज़ करने में बहुत दिक्कत आएगी, जिसका असर हमारे, अगर हम बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बिज़नेस पे पड़ सकता है, और पर्सनल यूज़ कर सकते हैं तो हमारे कुछ ज़रूरी काम में डिले हो सकता है, ठीक है. तो इस टॉपिक के बाद, चूजिंग एन ISP के टॉपिक के बाद, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में तो हमने बात कर ली, अब इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. ओके, आइए देखते हैं क्या होती हैं ये. इंटरनेट सर्विसेज अलाउ अस टू एक्सेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट सर्विसेज का मतलब है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट इंफॉर्मेशन का, बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे कि इंटरनेट की सर्विसेज में हमें क्या मिल जाएगा, टेक्स्ट मिल जाएगा, ग्राफिक्स मिल जाएंगे, साउंड, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं. इनकी सारी सर्विसेज हम इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं. फॉलोइंग डायग्राम शोज द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. इंटरनेट सर्विसेज की कुछ कैटेगरीज हैं, चार कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है, चार कैटेगरी हैं. इन कैटेगरीज में कौन कौन से वर्क हमारे आते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती हैं, उनकी कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, उनके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले ये देखते हैं इंटरनेट सर्विसेज बेसिकली कितने टाइप्स में कैटेगराइज्ड की गई हैं. फोर टाइप्स में ये कैटेगराइज की गई हैं इंटरनेट सर्विसेज को. पहला कैटेगरी है इसकी कम्युनिकेशन सर्विस, ओके, एंड सेकंड इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस, देन वेब सर्विसेज, एंड लास्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब. ये वेब है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, तो सबसे पहले थी हमारी कम्युनिकेशन सर्विस. इससे बात करते हैं कम्युनिकेशन सर्विस हमारी होती क्या है, ठीक है. देयर आर वेरियस कम्युनिकेशन सर्विसेज अवेलेबल दैट ऑफर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. कम्युनिकेशन सर्विस कई तरह की होती हैं, वेरियस टाइप की कम्युनिकेशन सर्विस होती हैं, ठीक है. इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी इंडिविजुअल्स या ग्रुप में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, शेयर करना, यानी सेंड करना और रिसीव करना. जैसा यहाँ बताया गया, अवेलेबल दैट ऑफर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किसके बीच में, विद इंडिविजुअल्स और ग्रुप, किसी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के बीच में, सिंगल पर्सन हो यानी कि एक तरफ भी सिंगल हो, दूसरी तरफ भी कोई सिंगल पर्सन हो, यानी पर्सन टू पर्सन हो या पर्सन टू ग्रुप हो, ठीक है, या ग्रुप टू ग्रुप हो, उसमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना. द फॉलोइंग टेबल गिव ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन टू दीज सर्विस. और इनमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं कम्युनिकेशन में, उन सर्विसेज का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैं बताऊँगा. पहला सर्विस है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ईमेल भी कहते हैं. ईमेल से तो सब लोग अच्छी तरह परिचित होंगे, भली भांति परिचित होंगे. जब भी हम मोस्टली आजकल तो
मैं समझता हूँ जो स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं उनका सबका ईमेल एड्रेस बना होगा, विदाउट उसके वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, गूगल्स की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ईमेल क्या होता है सब जानते होंगे, लेकिन ये सर्विस हमारी है कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन कैसे, क्योंकि ईमेल के थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, यानी कि दो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ओवर द इंटरनेट, ईमेल का मतलब है इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को सेंड करना, ठीक है, और रिसीव करना। देन टेलनेट, टेलनेट का मतलब है यूज टू लॉग ऑन टू ए रिमोट कंप्यूटर दैट इज अटैच्ड टू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से अटैच्ड कोई भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करना हमारा टेलनेट कहलाता है, ओके। नेक्स्ट इज न्यूज़ ग्रुप, न्यूज़ ग्रुप, ओके। इसका मतलब है ऑफर ए फॉरम फॉर पीपल टू डिस्कस टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन, इसके थ्रू हम कॉमन इंटरेस्ट के जो टॉपिक हैं वो डिस्कस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, यानी आपस में कम्युनिकेशन करके या ग्रुप बना के। देन इज इंटरनेट रिले चैट, ICRC जिसे कहते हैं, अलाउज द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम, यानी वर्ल्ड के सारे पीपल को एक रियल टाइम में कम्युनिकेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है इंटरनेट रिले चैट हमारा जो है। नेक्स्ट सर्विस है हमारी, जैसे हम जो कम्युनिकेशन सर्विस है हमारी वो है मेलिंग लिस्ट यूज टू ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूज़र, इसमें क्या करते हैं इंटरनेट यूज़र के जो भी लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं टू शेयर कॉमन इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल, जिसमें हम ईमेल के थ्रू कॉमन सर्विस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे आपने आजकल भी देखा हो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं, ऐसे मेलिंग लिस्ट बनती है ईमेल के थ्रू, ठीक है। हम कॉमन मेलिंग लिस्ट बना लेते हैं, उसमें अगर मान लो कोई ऐसा मैसेज है हमारे पास जो सबको हमें भेजना है, जैसे मान लीजिए आजकल ग्रुप बन जाते हैं, कॉमन मैसेज हमें कुछ भेजना हो हम ग्रुप पे भेज देते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून, या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो ज़रूरी हो कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से मेलिंग लिस्ट का काम है कि ईमेल में भी हम ईमेल जो ऑप्शन होता है हमारा, ईमेल जो सर्विस होती है उसमें हम जो भी हमारे इंटरनेट यूज़र हैं या ईमेल यूज़र हैं उनको ऑर्गेनाइज करके एक ग्रुप बनाते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज मतलब जो जिसे हम अपनी लिस्ट में रखना चाहते हैं ग्रुप बनाते हैं, फिर कॉमन इन्फॉर्मेशन उन्हें शेयर करते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। ये मेलिंग लिस्ट का काम होता है, ये भी हमारी एक कम्युनिकेशन सर्विस है। देन इंटरनेट टेलीफोनी BOIP, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में ये डिटेल में भी मैं पढ़ा चुका हूँ BOIP क्या होता है नेटवर्क के पार्ट में, ठीक है। अलाउज द इंटरनेट यूज़र टू टॉक अक्रॉस इंटरनेट टू एनी PC इक्विप टू रिसीव द कॉल, ठीक है। ये इंटरनेट यूज़र को अलाउ करती है तो कि वो किसी भी PC पर अगर PC इक्विप्ड है मतलब उस सर्विस से इक्विप्ड है तो कॉल करके हम उस पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है। देन इंस्टेंट मैसेजिंग ऑफर्स रियल टाइम चैट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल, इंडिविजुअल्स और पीपल के ग्रुप के बीच में रियल टाइम चैटिंग इसके थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल याहू मैसेंजर एंड MSN मैसेंजर्स, ये इसके सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम चैटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस, ये थी कम्युनिकेशन सर्विस, और इसके बाद अब है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज। देयर एग्जिस्ट सेवरल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज ऑफरिंग इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, यानी कि इन सर्विस का काम है कि इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है या जो भी हमारी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है उसे हम एक्सेस कर सकें, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिवन ए ब्रीफ गिव्स ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन टू द दी सर्विसेज कौन कौन सी है ये देखते हैं। फर्स्ट इज FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का चैप्टर मैंने बताया था इसका काम क्या है डिटेल में। इनेबल द यूज़र टू ट्रांसफ़र फाइल्स, यानी कि
यूज़र अपनी फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहता है उसके लिए FTP का सर्विस का यूज होता है। आर्की का मतलब है इट इज़ अपडेटेड डेटाबेस ऑफ पब्लिक FTP। पब्लिक FTP का अपडेटेड डेटाबेस यानी पब्लिक की जो फाइलें हैं ट्रांसफ़र होती हैं उसका डेटाबेस, ठीक है, FTP साइट पे मिल जाएगा एंड देयर कंटेंट और उसके कंटेंट में मिल जाएंगे। इट हेल्प्स टू सर्च द फाइल बाय द इट्स नेम, जिससे कि हम उसके नाम से उसके फाइल को सर्च कर सकें। देन गोफर यूज़ टू सर्च रिट्रीव एंड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ऑन रिमोट साइट। रिमोट साइट पर हम अपने डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं गोफर के थ्रू। एंड लास्ट इज वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेट वाइड इंडेक्स टू कंप्यूटर अचीव्ड, यानी कि वेरोनिका इज ग्रोफर बेस्ड रिसोर्स। ये ग्रोफर बेस्ड रिसोर्स है यानी कि उसी की तरह काम करती है। इट अलाउज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रिसोर्स स्टोर्ड ऑन द ग्रोफर सर्विस। ये क्या करती है, ग्रोफर सर्विस पर सर्वर पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम इसके थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट सर्विस इज वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। वेब सर्विसेज अलाउ एक्सेस द इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन द वेब, यानी कि वेब की एप्लीकेशंस पर जब हमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होगा या उससे इंफॉर्मेशन लेनी हो या उस पर इंफॉर्मेशन अपलोड करनी हो तब हमारी वेब सर्विसेज का यूज़ होता है। यूजिंग वेब सर्विसेज एप्लीकेशन कैन ईजिली इंटरेक्ट विद ईच अदर। हम वेब सर्विसेज के थ्रू एप्लीकेशंस पर डेटा को या इंफॉर्मेशन को लोड या अपलोड करके आप आसानी से उन वेबसाइट्स से इंटरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसे हम वेब सर्चिंग कहते हैं, वेब सर्च किसी वेबसाइट को सर्च करके हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में। द वेब सर्विस आर ऑफर्ड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग। इसे ये यूटिलिटी कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट को ऑफर करता है, यानी कि कंप्यूटर का अच्छे से यूटिलाइज करना, यानी कि वेब का अच्छे से यूटिलाइज करना, ये वेब सर्विसेज का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब डिटेल में भी आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। इसमें भी हमारी एक सर्विस होती है इंटरनेट सर्विस, वो है वर्ल्ड वाइड वेब। ये हम इसे हम W3 के नाम से भी जानते हैं। इट ऑफर ए वे टू एक्सेस डॉक्यूमेंट स्प्रेड ओवर द सेवरल सर्वर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जितने भी सर्वर हैं उस पर जो इंफॉर्मेशन होगी उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स में कंटेन, इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, हाइपरलिंक भी हो सकते हैं। द हाइपरलिंक अलाउ द यूजर टू नेविगेट बिटवीन द डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक के थ्रू हम डॉक्यूमेंट के बीच में ही नेविगेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।